हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोशल साइंस के अंतर्गत क्लास 8 में चैप्टर 4 कानूनों की समझ अंडरस्टैंडिंग लॉज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि डू लॉ अप्लाई टू ऑल, क्या कानून सभी पर लागू होते हैं या किसी किसी पर लागू होते हैं, इस बात के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप कुछ कानूनों के बारे में, कुछ नियमों के बारे में जानते भी होंगे जो देश में अप्लाई हो रहे हैं या होते हैं। जैसे कि आपको एक नौकरी करने की या रोजगार पे जाने की आयु भी निश्चितता की पता होगी, ऐसे ही कब तक पढ़ना है और कब कार्य करना है इस आयु सीमा की भी आपको पता होगी, कब हमें मतदान के लिए हम तैयार होते हैं उस आयु की भी पता होगी, ऐसे ही हमारी शादी कब होनी है इस प्रकार के प्रश्नों की जानकारी आपको होगी। ऐसे ही कानून के अंतर्गत जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सारे कानून बनाने की जो जिम्मेवारी होती है यह हमारी संसद की होती है। जैसा कि हम पिछली इकाई में संसद की आवश्यकता क्यों होती है में पढ़कर आए हैं कि राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कि आने वाले समय में कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर, यानी के एजुकेशन, रिलीजन, कास्ट आदि पर जो भी भेदभाव करता है, वह जो राष्ट्रवादियों ने एक सहमति व्यक्त की थी उसमें उन सब चीजों को अलग किया गया। जैसे कि कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो। और हाँ, यहां तक कि यदि राष्ट्रपति भी कोई गलत कार्य करता है, आपराधिक कार्य करता है, तो कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है। इस सजा तक पहुंचने की भी एक तय प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे, अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। जैसा कि क्या सभी पर कानून लागू होते हैं, यानी कि डू लॉज अप्लाई टू ऑल, इसी के अंतर्गत यदि कोई अधिकारी का बेटा कोई गलत कार्य करता है और अधिकारी उसके बचाव में कोई अन्य प्रक्रिया अपनाता है तो वो कानून की नजरों में गलत होता है। इसी प्रकार पहले जो होता था उसके बारे में एक जानकारी है कि पहले जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सजा देने के भेदभाव भी खत्म होते चले गए। अच्छा, उसके बाद में दूसरी चीज आई कि औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर भी आधारित था। मनमानापन यानी कि अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करना। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई। 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमाने की मिसाल था। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश
सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे बिना मुकदमा चलाए ही गिरफ्तार किया जा सकता था। अब इसके बाद में जैसा कि कई प्रक्रियाएं आई, जैसे जलियांवाला हत्याकांड हुआ, ये भी एक मनमाने पन की उदाहरण था। उसके बाद में ऐसे ही राजद्रोह अधिनियम बना, लोगों ने आलोचना की और बहुत सारे जो दमनकारी प्रक्रियाएं औपनिवेशिक शासन में थी उसके लिए जो हमारे राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने बहुत कुछ ऐसे काम किए जिनसे ये जो औपनिवेशिक शासन के अधिकारी थे उन पर प्रभाव पड़ा और लोग कानून, भारतीय लोग भी कानून सीखने लगे। जैसा कि 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा था। कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाए। ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने में पहले से ज्यादा भूमिका निभाने लगे थे। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम में यहां के लोग भी कई तरह से अपना योगदान दे रहे थे। संविधान की स्वीकृति मिलने के बाद यह दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे। हर साल हमारे प्रतिनिधि कई नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानूनों में संशोधन भी करते हैं, जैसा कि आप पहले पढ़कर आए हैं। इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने और रोजगार मुहैया कराने के लिए भी नए कानून बनाए गए हैं। लोग इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं कि एक नया कानून जरूरी है, वे कानून का प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं, इसके बारे में अब हम जानकारी हासिल करते हैं। हाउ डू न्यू लॉ कम अबाउट, नए कानून किस प्रकार बनते हैं। तो इसके अंतर्गत आम तौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूहों की किसी खास कानून के लिए आवाज उठती है, फिर वह संसद की जिम्मेवारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। कि घर ऐसा ही एक कानून था, घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा को की रोकथाम पर कानून बनने की प्रक्रिया क्या थी। अब घरेलू कानून यानी घरेलू हिंसा क्या थी, डोमेस्टिक वायलेंस क्या थी, घरेलू हिंसा यानी कि जो औरतें घर में काम करती थी, एक परिवार की हिस्सा होती थी, उन पर कई प्रकार से उनके पति या बेटे बहू जो उन पर बड़े बूढ़ों पर विशेष दबाव बनाते थे या दबाव की प्रक्रिया करते थे, तो उसके विरुद्ध महिलाओं ने आवाज उठाई और वो कानून कैसे बना उसकी प्रक्रिया मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे कि जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है तो उसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है, इसी को घरेलू हिंसा कहते हैं। जैसे कि आगे आप इसे देखेंगे एक चित्र पट कथा के माध्यम से कि जब ये कानून बना तो स्त्रियों को क्या क्या फायदे हुए और कैसे ये प्रक्रिया बनी। दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी। इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमिटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि विधेयक क्या होता है, पेश किया गया,
दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हो गया। इसी तरह जैसे कि इक्वल रिलेशनशिप आर वॉलेंस फ्री, इसका मतलब है कि बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त होने चाहिए। जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालात से उबरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती हैं, इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज्यादा बेहतर है। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे, यानी के किसी प्रकार का किसी को आने वाली पीढ़ी को उस चीज की पता रहे, इस्तेमाल की जानकारी हो, उसे कहते हैं बचाए रखना। अब जैसे कि आपने चित्र जो ये पटकथा दी हुई है महिलाओं का, यह कानून कैसे बना, इसकी एक प्रक्रिया कहानी के रूप में भी आप अपनी पुस्तक में पढ़ सकते हैं। अब कुछ कानून कैसे होते हैं, जैसे अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, अप्रिय और विवादास्पद कानून, ये क्या होते हैं, ये लोगों को कोई ऐसा कानून बन जाता है जो बहुत सारे समुदायों को तो उससे लाभ होता है और बहुत सारे समुदायों को उससे हानि उत्पन्न होती है। इसलिए इस प्रकार के जो कानून होते हैं वे कानून विवादास्पद कहलाते हैं। जैसा कि एक उदाहरण के माध्यम से या हम एक एग्जाम्पल के जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। जैसे कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से तो वैध होता है किंतु लोगों को लगता है कि उसके पीछे नियत सही नहीं थी, इसलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब दूसरे बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। विभिन्न नगरपालिका कानून में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी हैं, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को जरूरी चीजों और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलता पूर्वक पहुंचाते हैं। इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी एक समुदाय की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, वह कानून संविधान के विरुद्ध है, वह उसमें संशोधन कर सकती है। कौन? संसद। उसमें संशोधन भी कर सकती है और रद्द भी कर सकती है। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए भी इस बात पर नजर रख सकते हैं कि हमारे संसद में सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही हैं, कि हमारे संसद सही कार्य कर रहे हैं, तो हम उनकी आलोचना नहीं करेंगे, और यदि वो कोई सही कार्य नहीं कर रहे हैं तो उसकी हम आलोचना करना प्रारंभ कर देंगे। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी और जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे उतना ही संसद का अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। जैसा कि आप ऊपर की तस्वीर में देख रहे हैं, अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध में कुछ लोग अन्य तरीकों द्वारा उसका विरोध करते हुए दिखाए गए हैं। आप अच्छी प्रकार से आलोचना क्या होती है, किसी के साथ में जो दमनकारी कार्य होता है उसको उसके प्रति आवाज उठाना एक विभिन्न प्रकार के हिंसात्मक
कार्यों को तो अनुमति नहीं देता हमारा कानून, किंतु बैठ के लोगों को इकट्ठा करके हस्ताक्षर अभियान चला के जुलूस निकाल के रैलियां चलाकर इस प्रकार के कानूनों को रोका जा सकता है जो जनता के हित में नहीं होते। तो आपकी समझ में आया कि कानून किस प्रकार बनते हैं। मैंने एक एक चीज आपको स्पष्ट बताई है। अब जैसे इसमें राजद्रोह अधिनियम यानी के द सेडिशन एक्ट, ये क्या था बेटा, इसके बारे में आप देखें कि यह अधिनियम 1870 ईस्वी भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पास किया गया था। इस अधिनियम का अर्थ था कि कोई भी व्यक्ति यदि सरकार के खिलाफ विरोध करता है या उसकी आलोचना करता है तो बिना न्यायालय में पेश किए उस पर बिना मुकदमा चलाए उसे कैद किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, एक इसी में आया था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या होता है? इस अधिनियम को भारत की अंग्रेजी सरकार ने 10 मार्च 1919 में पास किया था। ऐसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? यह था जनरल डायर के आदेश पर नरसंहार अमृतसर स्थित छोटे से बाग में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 यानी के 1919 को हुआ। अब इसी प्रकार ये जो चीजें हैं मैंने आपको समझाएं, दमनकारी, किसी पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालना, किसी को दबा कर रखना, वो अपनी मर्जी के अनुसार दूसरे व्यक्ति से कार्य कराना, वो सब क्या होता है? दमनकारी। किसी से काम ले लेना, उसके पैसे ना देना, ये सब क्या है? दमनकारी। इस प्रकार ये कानून बनाए जाते हैं जिससे कि सभी लोग स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी राय व्यक्त कर सके और उचित कार्य करके नए कानूनों का निर्माण करवा सके। इस चैप्टर के अंतर्गत यही सारी बातें हैं। जैसा कि मैं समझता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।